हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? और सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ अपने ससुराल। जस्ट अभी मैं पहुँच रहा हूँ ससुराल में। जैसे कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तो अभी ससुराल में आया हुआ हूँ। और साथ में है मेरी वाइफ हिमानी। और आते ही खाना शुरू कर दिया है इसने, आप देख सकते हो, आते ही खाना शुरू। और थोड़ा लंबा रास्ता था थोड़ा, तो इस वजह से थकान भी लग जाती है। तो अभी हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। हमारी प्यारी सी सियाली जी ने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ है। आपको भी बताते कि क्या क्या व्यंजन उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं। तो ये देखिए, ये है हरी सब्जी और साथ में इसमें है मिर्च। तो ये हरी सब्जी और मिर्च, इसका आनंद ही कुछ अलग होता है। और प्लस यहाँ पर कटोरे में रखी गई है दही और रोटी। और ये देखो हिमानी, मेरी वाइफ उर्फ निक्की, देखो तो खाने पे कितना ध्यान है। और ये देखिए दोस्तों, इनके चेहरे पर मुस्कान, खुशी, अपने मायके आई हुई है तो खुशी है आज चेहरे पे। बहुत खुश नजर आ रहे हो आप, क्या बात है? क्यों, ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था? ओहो, ये देखो भाई, ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था, मायके में आके चेहरे पे चमक। ससुराल में तो हर वक्त इन्होंने गुस्से का चेहरा बनाया हुआ था। यहाँ आके देखो, भूख लग गई है इनको, सपोर्ट रही है खाना। और यहाँ पर आम भी काटे हुए हैं, इधर अचार भी रखा हुआ है। ओह, ये नमक भी रखा हुआ है, पिसा हुआ नमक। मैं भी सखाओ 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। किसने पिसा ये? अच्छा, नमक आपने पीसा? इतने बड़े कलाकार हो आप, जब मैं देहरादून से आई। तुमसे अच्छा नमक तो मैं पीस लूँगा। बात के दोस्तों, अब आनंद लेते हैं रोटी का। बहुत ज़बरदस्त रोटी बनाई है हमारे सियाली जी ने। और चलो, जब तक हमारी वाइफ ने हमें खिला लिया, और रोटी के साथ हरी सब्जी और दही भी थोड़ा लेते हैं। दो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, दो आनंद आ जाता है ये पहाड़ी व्यंजन खाने में। हरी सब्जी और रोटी, एक अलग ही इसका टेस्ट होता है, मर्च मज़ेदार दोस्तों। तो अभी थोड़ा खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद, बने रहिए। दोस्तों, ये है रवीना, हमारी सियाली जी। ये देखो, चेहरा छुपा रही है रवीना। रवीना का चेहरा देखो, यही है जिन्होंने इतना खूबसूरत सा, अच्छा सा, टेस्टी खाना बनाया था। आहा सियाली जी, मज़ा आ गया आपके खाने के, तो हम दीवाने हो गए, आपको तो है ही आप ही। ये देखो सियाली जी शर्मा रही है, अरे भाई जीजा के साथ। आगे ये शाही जरा मुखड़ी दिखाई दे। अरे एक ये परेशान करने पर लगी है मुझे हिमानी। अरे आपको तो हमेशा ही झेलना है ना, आज एक दिन थोड़ा सियाली जी को तो झेलने दो, है ना? आगे करो एक दो आगे दिन सियाली जी के साथ थोड़ा आगे मजाक करो। करने दो हाँ, भाई। आगे निकालो ना, आगे निकाल के बोलो मुझे क्या आगे कैमरा निकाल के? कैमरा आगे करो। अच्छा ठीक है, अभी निकालते हैं, बहुत कैमरे की जरूरत है तुम्हें, है? दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपने ससुराल में हूँ। और धूप आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, यहाँ पर गौशालाएँ हैं लोगों की। और ये रास्ता है, किस तरीके से मैं जा रहा हूँ इधर घूमने ससुराल में। पेड़ पौधे सामने बहुत सारे, धूप लगी हुई है। और ये रास्ते में जा रही है रवीना, हमारी सियाली जी। इनके साथ हम भी लगे हैं पीछे पीछे। दोस्तों, ये रवीना बैलों को लेके आ रही है, कह रही है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, शर्मा रही है रवीना। देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ से वो नीचे आपको गधेरा देखने को मिलेगा।
यहाँ से नीचे इस तरीके का ढलान है और ये है रास्ता और ये रवीना बैल और बैलों और बछड़े को ले जाती हुई हाथ में पकड़ी हुई है लट्ठी। और सामने आपको जंगल नज़र आ रहा होगा दोस्तों, वहीं इनको छोड़ देते हैं बैलों को और ठीक शाम को फिर बैलों को वहाँ से वापस लाना होता है। वो आप आराम से घास चरेंगे वहाँ से। ये देखिए नीचे का ढलान, बड़ा संकरा रास्ता है लेकिन फिर भी एक हैबिचुअल हो रखा रहता है, लोगों को आदत रहती है जाने की। आप देख सकते हैं रास्ता। तो अभी हम जंगल से वापस जा रहे थे घर की ओर और अभी हमने देखा ये आंवले का पेड़। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आंवले आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आंवले हैं, आंवले से पूरा जो है पेड़ भरा हुआ है ये। और इधर उधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में काफल के पेड़ भी। तो ये है काफल का वृक्ष, आप देख सकते हैं अभी काफल इसमें काफ़ी आए हैं लेकिन अभी काफल कच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम इनका कलर अभी हरा है। कुछ समय बाद मई जून में ये काफल पक जाते हैं और फिर खाने का अलग ही आनंद होता है, लेकिन अभी ये कच्चा है। अभी जंगल में बैलों को भेज दिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। साथ में है रवीना, श्याली जी। श्याली जी कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। देखो श्याली जी बहुत शर्मा रही है भाई हमारी। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं, ये है हमारे ससुराल वालों का पैतृक घर, पुराना घर, और आप पुराने घर को देख सकते हैं यहाँ पर। ये है खोली और ओम गणेशाई नमो। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई गई है, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। और आप पहले के समय के चीज़ों को देखिए, ये छज्जा होता है किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और पुरानी मकानें, इनका अपना ही एक अलग महत्व है। प्राचीन समय के ये दरवाजे, अब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है क्योंकि ससुराल वाले तो अब नए मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति, जो प्राचीन धरोहर है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनका एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों। इन घरों से पुरानी यादें जुड़ी होती है, हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी होती है। उन्होंने यहाँ पर वास किया होगा, वो लोग यहाँ पर रहे होंगे, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। भले हम आज किसी भी नई मकान में शिफ्ट हो जाएं, देहरादून शिफ्ट हो जाएं, कहीं भी शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जो हमारी पुरानी धरोहर है, जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है और पुरानी यादें हैं, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इन मकानों को भी जो है सही तरीके से इनको प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे पूर्वजों की, पितृदेवों की यादें जुड़ी रहती है हमेशा दोस्तों। तो ये चीज़ें कभी ना भूलें। तरीके से लिपाई पोताई की जाती है ना इन कमरों की, तो इनका एक महत्व ये होता है कि गर्मियों में गर्म नहीं होता है, ठंडे ये कमरे होते हैं और ठंडियों में गर्मी प्रदान करते हैं। तो ऐसे कमरों में जो प्राचीन हमारे पुराने जो मकान होते हैं, मिट्टी के, लकड़ी के, लिपा पोती जिनमें की गई होती है, साइंटिफिकली भी इसका महत्व है। और जो है गर्मियों में एकदम ठंडक यहाँ पे रहती है, ठंडियों में गर्म भी ये कमरे रहते हैं, तो इनमें किसी तरह की एसी कूलर की आपको ज़रूरत नहीं है। नेचुरल एसी कूलर आपको यहाँ पर ऐसे मकानों पर मिलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो हमारी पुरानी विरासतें हैं, जो पूर्वजों ने बनाया गया है जो चीज़ें, उनका अपना एक महत्व है। दोस्तों आज अब हम जा रहे हैं घर। मैं आया था अपने ससुराल और मेरी वाइफ आई थी अपने मायके। और देखो इसको अभी रो रही थी ये थोड़ा देर पहले। हमारी सासू जी हमें आधे रास्ते तक भेजने आई थी, वो भी रो रहे थे। होता ही है, एक बहुत इमोशनल सा मूमेंट होता है अपने मायके आना, फिर घर जाते वक्त, ससुराल जाते वक्त रोना। और बस अब हम चल रहे हैं घर की ओर।
बैग रखा हुआ है और हाथ में भी एक थैला रखा हुआ है, और ये मैडम जी केवल अपना कैरी बैग ले जा रही है और कुछ भी नहीं। दोस्तों ये देखो मेरी वाइफ हिमानी आ रही है, और वो नीचे से आए थे हम, और उधर रास्ता, और ये मेरे ससुराल वालों का घर, और ये गांव ग्राम जसियारा के अंतर्गत खिटूट। और रास्ता आप देख सकते हैं कैसा है। सियाली जी आई थी, अब वापस जा रही है सियाली जी। हमने सोचा कि आप कहाँ आते सड़क तक, वो देखिए सियाली वापस जा रही है। और ये रास्ता है दोस्तों, इस तरीके से जंगल का टाइप का रास्ता है, पहाड़ में इसी तरीके के जगह से जाना पड़ता है, और यहाँ से ऊपर जाके सड़क में हमको जाना है, फिर वहाँ से गाड़ी से हम जाएंगे कर्णप्रयाग। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते और ऊपर से इतना भारी भरकम बैग, कम से कम 10-15 किलो का बैग हो गए इस चढ़ाई पे। इस बैग को लाते लाते हालत खराब हो गई है। अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, कितना चढ़ाई वाला रास्ता है ससुराल से, हमारे ससुराल का।